अपार सफलता के बाद बहुत सारे गार्डियंस का बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज और कॉलिंग आया कि कुछ और नया चीज दिया जाए कुछ और अलग से टॉपिक करवा दिया जाए तो आफ्टर गेटिंग दैट सक्सेस ऑन योर डिमांड वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट पांच का पंच इसको बोलते हैं पी के पी पांच का पंच ये हो गया क्या पांच का पंच क्या मतलब फाइव लेक्चर फाइव क्वेश्चन आर गारंटेड फाइव डेज में फाइव लेक्चर में फाइव क्वेश्चन की गारंटी है जिससे आप चाहें तो सुबह शाम करके दो दिन में खत्म कर सकते एक लेक्चर सुबह देखा एक लेक्चर शाम देखा मर्जी हो गया दोपहर देख लिया तो दो दिन में या तीन दिन में आप अपने लेक्चर को खत्म कर सकते और अब समय भी कम है अब आपको चाहिए कि आप राइटिंग वर्क छोड़ के वाचिंग वर्क देखिए आप आप सॉल्यूशंस को पढ़िए सॉल्यूशन को देखिए यूट्यूब से देखिए या आप वीडियो लेक्चर देखिए जैसे भी देखिए अब राइटिंग वर्क छोड़ दो अगर समय कम है तो, तो आपके लिए कोशिश किया हमने ये फाइव का पंच में हमने क्या दिया आपके लिए फाइव का पंच में मैंने आपके लिए दिया है क्या क्या फर्स्ट में दे दिया है वेक्टर थ्री डी ये थ्री आपको थ्री डेज आ जाएंगे दो क्लास वेक्टर का एक क्लास थ्री डी का इसमें से आप जानते हो कि टू टू थ्री क्वेश्चन का यहां वेटेज होता है इसका वेटेज हो गया आपका कितना टू टू थ्री क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन की गारंटी होती है नंबर टू की बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर यहां भी वन टू टू क्वेश्चन यहां भी वन टू टू क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा वन से दो क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं कभी एक कभी दो ऐसे थर्ड चैप्टर uh, है आईटीएफ टी यहां से इसका वेटेज भी वन से वन क्वेश्चन मिनिमम है वन टू टू क्वेश्चन मिनिमम फाइव क्वेश्चन मिनिमम फाइव क्वेश्चन आर गारंटीड फ्रॉम दिस पार्ट यहां से आप देखेंगे कि पांच क्वेश्चन की गारंटी तो आपको है ही पांच लेक्चर पांच क्वेश्चन राइट ये होता है फाइव का पंच से बोलते हैं पांच का पंच आज स्टार्ट करें हम लोग टॉपिक वेक्टर तो आइए नेक्स्ट अब काम की बात करें अब मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूं बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जो आप जानते हैं उसको छोड़ करके कुछ जो हाइयर फंडा यूज करते हैं क्वेश्चन में उसकी बात करें तो मैं एक सिंपल सा अब यहां एक हमने क्या किया ऐसे उठाया आप देखेंगे क्या ये हमने एक फिगर बना लिया ऐसे ये लिख दिया आपके पास वैक्टर ए ये लिख दिया वेक्टर बी ये हो गया ओ ए बी ये एंगल हो गया थीटा मर्जी है तो ये भी डाल दो ये हो गया आपके पास एम अब जरा लॉजिक देखना मुझे चाहिए क्या अब मैं इसको लिखता हूँ रिमार्क्स रिमार्क्स समझते है ना तो रिमार्क्स का मतलब होता है नोट्स रिमार्क्स मीन्स नोट्स स्पेशल नोट्स तो यहाँ सबसे पहले बात करूँगा मैं ए डॉट बी ये आप जानते हो ए डॉट बी क्या होता है ए डॉट बी होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड थीटा सही है यहां से अपन जानते हैं कि थीटा की बात करेंगे तो कॉ सीटा यहां क्या हो गया cos थीटा हो गया अपने पास ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ एंड मोड ऑफ बी राइट ये हो गया कॉस थीटा अब यहां से एक बात और करना अब यहां से मुझे एक बात और करनी है मुझे चाहिए कॉस थीटा तो मुझे चाहिए कॉस सीटा तो कॉस सीटा देखो क्या हो गया ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रेंगल बच्चे तो ये हो गया ओ अपॉन बी तो कॉस सीटा अपने पास हो गया ओ अपॉन बी मोड ऑफ बी दिस वन तो ये अपने पास हो गया बी कॉस सीटा को बोलेंगे आप इसको लिख देंगे ओ एम सही है तो ये हमारे पास है क्या ये अपने पास हो गया ए इक्वल्स टू मोड ऑफ एम मोड ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए ए के डायरेक्शन में बी का सैडो बी का प्रचेप, इसे बोलेंगे प्रोजेक्शन इसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ बी ए ए ए के डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन बी का सैडो बी का प्रक्षेप अब मुझे तो मुझे हमें चाहिए क्या अपने को तो भाई साहब ये चाहिए ये चाहिए तो इसको क्या करेंगे यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए ए के डायरेक्शन में चाहिए तो ये अपने पास आ गया ए डॉट बी जिसका डायरेक्शन उससे डिवीजन जिसके डायरेक्शन में चाहिए उससे ही डिवीजन हुआ तो ये अपने पास आ गया दिस वन अब यहां क्या करने का अब आपका रहता नहीं सर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ उल्टा चाहिए दिवे। मुझे चाहिए, चाहिए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना बढ़ा दिया, अपने आगे, आगे बढ़ा दिया और यहां से डाल दिया अपने पास कैसे चलो ये ले लिया ये हो गया आपके पास एन ले लो ये प्रोजेक्शन आ गया फिर इसका ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बी के डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पॉइंट आइए क्या है आपके पास अपने पास था ये पिक था ये ले लिया हमने यहां अपने पास A था ये अपने पास बी यहां लिखा आपने एम अब देखो क्या करने का ये थीटा है अब हमने ये ले लिया बच्चे अब हमने अपने को चाहिए क्या वेक्टर ओ एम चाहिए तो वेक्टर एम को क्या बोलेंगे नाम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ बी अलोंग ए ए के डायरेक्शन में बी का रिजोल्यूशन इसे बोलेंगे वेक्टर ओ एम तो इसका मतलब डायरेक्शन हमारा अब चाहिए वेक्टर चाहिए ए के डायरेक्शन में तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आया था पहले से अब डायरेक्शन चाहिए ए का तो ए का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आया था बच्चे अपने पास पहले से आया था ओ एम का वैल्यू दिस अपॉन ए आया था डायरेक्शन ए का था अब इसमें से हमें चाहिए क्या अलोंग ए का ए कैप से मल्टीप्लाई किया अब A cap क्या हो गया? A cap हो गया गया बच्चे आपके पास ए डॉट बी दिस वन अपॉन मोड ऑफ ए इसका होल स्क्वायर कर देता हूं और यहां हो गया वेक्टर ए क्यों ए कैप बोलते हैं आप किसको ए कैप बोलते हैं वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए मो द फेक स्क्वायर आ गया ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ बी अलोंग ए नेक्स्ट पॉइंट अब ये तो अपने पास आ गया ये अपने पास कौन सा आ गया ये अपने पास आ गया ओएम ये ओएम वेक्टर आ गया अब मुझे चाहिए एमबी अब इसकी बात करोगे तो कैसे आएगा अब मैं लिखता हूं यहां से एमबी व्हाट इज हाउ कैन यू फाइंड एमबी एमबी इज नथिंग ये हो गया फिर से रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी मोड ऑफ बी एलोंग ए ए के डायरेक्शन में इसका रेजोल्यूशन कुछ नहीं करने का ये अपने पास हो गया भाई साहब बी माइनस मोड ऑफ यहां हो गया सॉरी वेक्टर बी में से देखो तो दिस पार्ट दिस प्लस दिस हो गया दिस पार्ट तो बी माइनस ओ एम ये हो गया हमारे पास एम टू बी बी हमारे पास क्या है बच्चे बी हो गया दिस वन ओ एम अपने पास निकाल चुके आप ये वेक्टर ओ एम है ये अपने पास आ गया ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए ये आ गया रेजोल्यूशन है ना ये अपने पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की की बात कर रहे थे, ये scalar product की बात कर कर रहे रहे थे थे स्केलर रिमार्क्स की बात किया हमने अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट फिर से आप आए ऐसे अपना फोटो लेंगे आप ऐसे आप पिक ले लेंगे ये हमने पिक ले लिया फिर से ऐसे ये थीटा ये अपने पास है वेक्टर ए ये वेक्टर बी है ओ ए, बी, अब मुझे चाहिए ये ये अपने पास क्या है यूनिट वेक्टर है जो इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है राइट अब अपने को चाहिए क्या अब अपने को चाहिए पॉइंट नंबर टू है ये ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं आप तो ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास क्या मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर दिस वन ये हमारे पास हुआ इसको लिख सकते थे सी सी हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी ऐसे लिखा लेट मान लिया सी ले लिया इस टोटल को ये हमारे पास देखो तो, ये आपके पास क्या है ये ये यहाँ तक स्केलर हो गया और ये हो गया वेक्टर इसको टोटल को सी मान लिया सी इज ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास तो यहाँ वट इज सी तो सी इज ए वैक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इन द प्लेन एन बी एन द प्लेन सी हमारे पास परपेंगल है ए पे एन बी पे है ना और या उसके स्पेल लिख सकते थे ए एन बी सिंपल सी बात करो सी इज परपेंग ट प्लेन ए एन बी टू द्लेन टू द्लेन ए एन बी ए हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर हो गया ठीक है

किसी वेक्टर को उसी के मैनिच्यूर से डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू यूनिट वेक्टर ये आपको देगा यूनिट वेक्टर ये अपने पास आ गया दिस वन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब यहां लिखता हूं यहां थीटा अपने पास था तो साइन थीटा जहां बताओ क्या हो गया साइन थीटा अपने पास हो गया बी एम ये हो गया साइन थीटा हमारे पास दिस अपॉन दिस तो एम बी अपॉन बी एम बी क्या है बच्चे एम बी हो गया हमारे पास बी साइन थीटा अब यहां से मैं फिर से कुछ आगे बात करता हूं अब जब देखोगे इसका मोडलेस वैल्यू लाओगे आप इसका मोडलेस वैल्यू लाओगे लाओगे तो क्रॉस का वैल्यू हो गया ये हो गया ए ये हो गया बी साइन थीटा ये बी साइन थीटा क्या आपके पास ये बी साइन थीटा यहाँ से आपके पास आ गया ये हो गया एम बी ये हो गया ए हो गया आपका एम बी अब इसकी बात करेंगे अब जब देखोगे यहां से फिर से यहां से मैं यहां लाता हूं, मैं अब यहां से हो गया अपने पास ए क्रॉस भी राइट दिस वन ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ ए ए मीन्स क्या हो गया ओ एम बी या बी एम एम बी और बी एम लिख सकते थे आप ये क्या हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया बच्चे ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो गया ओ बी ये हो गया एरिया ऑफ अब एरिया चाहिए तो क्या हो गया तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एप्रॉस बी ये होगा स्केलर एरिया ये क्या हो गया स्केलर एरिया अब इसकी बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करेंगे ओ बी की बात करोगे ये हो गया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी करोगे आप ये क्या हो गया ये हो गया आपका वेक्टर एरिया कौन सा एरिया वेक्टर एरिया राइट नेक्स्ट पॉइंट आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते क्या है अब आपके पास रहेगा ऐसे था हमारे पास ये हमारे पास था ये हमारे पास था ऐसे इसको उठा के ऐसे ले आया ये ले आया बच्चे ये अपने पास ए है ये अपने पास बी है ओ ए बी सी ये देखा हमने अब मुझे चाहिए पैरोग्राम इसे भी ले लो आप इसे भी ले लो डायगोनल भी ले लो अच्छा रहेगा ऐसे ले लो ठीक है ना अब मुझे चाहिए आपके पास एरिया ऑफ पैरा ले लो ग्राम पैरा ले लो ग्राम ठीक है यहाँ दिख रहा है आपके पास कुछ नहीं करने का टू टाइम हो गया ट्रेंगल एक ट्रेंगल यहां से एक ट्रेंगल यहां से दो ट्रेंगल हो गया सही है ना एक ट्रेंगल ये टोटल पार्ट ये जो टोटल पार्ट है ये ऐसे दो तो ट्रेंगल हो गया तो सीधे हो गया पास ए क्रॉस बी इसे लिख सकते थे और डायगोनल की बात करें अगर ये हमारे पास डायगोनल डी वन है ये डायगोनल डी टू है तो फिर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ एक और लिखता हूँ मैं हाफ ऑफ डी वन क्रॉस डी टू यह हो गया डायगोनल के सेंस में सही है ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जो काम का चीज था अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में नेक्स्ट पॉइंट आएंगे नेक्स्ट पॉइंट आएंगे अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर थ्री और मोर वेक्टर्स थ्री और मोर वेक्टर्स का प्रोडक्ट अब इसमें क्या करने का यहां मैं लिखता हूं नंबर फर्स्ट एस टीपी इसे बोलते हैं एस आप जानते हैं आप ऐसे बनाते हो आप बनाया आपने ऐसे बना लिया दिस वन दिस वन दिस वन ओ ए बी सी है ना लिखा आपने ए यहां लिखा आपने बी यहां लिखा आपने सी अब आपको चाहिए क्या एरिया पैरल पाइप चाहिए अब इसकी बात करते हैं एसटीपी में तो में यहां मैं लिखता हूं क्या वॉल्यूम ऑफ पैरा लेलो पैरा लेलो पाइपड पैरा पैरा लेलो पाइप्ड, ठीक है ना पैरा ले लो Piped है ठीक है इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये क्या होता है आप जानते हो डायरेक्टली लिख देते हैं एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट क्या होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट तो यहां लिखता हूं मैं सीधे सीधे लिखा जाए यहां से ए बी सी ऐसे लिख दिया बॉक्स में इसे लिखेंगे आप ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी इसे आप ऐसे लिख सकते ये लिख सकते आप ये हो गया आपका वॉलमो पैरलो पाइप ये हो गया आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी ठीक है ना इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी अब यहां से, एक से देखना इफ यहां लिखूंगा मैं ए बी सी अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या हो बचे इसका मतलब देखिए बहुत सारी बातें हैं इसका मतलब होगा वेक्टर्स ए बी सी आर क्या कोप्लेनर इसका मतलब हो गया वेक्टर्स ए बी एंड सी आर को प्लेनर राइट एटलीस्ट टू आर पैरल एटलीस्ट टू आर पैरल एटलीस्ट वन इज ज़ीरो, जीरोटलीस्ट वन इज जीरो ओके इन ऑल थ्री आर कनकरेंट ऐसे बोल सकते हैं आप तो उस कंडीशन में क्या हो गया जीरो हो गया नेक्स्ट पॉइंट आप देखें इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में इसी में मैं लिखता हूं और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन टेट्रा हेड्रन या इसको लिख सकते थे टेट्राहेड्रन हेडेरल हेडे ये क्या होता है ये होता है वन बाय ऑफ ए बी सी ये कुछ नहीं है है ना ये कुछ नहीं है यहां पे, इसको हटा दीजिएगा तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्रोहाड्रोन की बात किया अब इसी में मैं लिखता हूं आपके पास ये तो हो गया दिस वन अब मैं इसको लिखता हूं यहां से रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ये क्या है तो यहां देखेंगे क्या लेट ए डैश बी डैश सी डैश बी दिसकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वेक्टर्स ए, बी एंड सी क्या करेंगे भाई रेसिप्रोकल है वेक्टर में डिवीजन नहीं होता वेक्टर में डिवीजन नहीं होता तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू एंसर इज वन रेसिप्रोकल तभी करेंगे जब प्रोडक्ट लेंगे वन जब प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट वन होगा यहाँ क्या हो गया इसका मतलब हो गया ए डॉट ए डैश दिस मस्ट बी वन b dot b dash this must be one c dash c dot c dash this must be one इसका मतलब क्या हुआ where a dash की बात करोगे ये अपने पास हो गया b cross c upon a b c b dash की बात करोगे ये क्या हो गया भाई ये हो गया c cross a एबीसी एंड बीसी डैश की बात करोगे ये हो गया आपका ए क्रॉस बी अपॉन एबीसी दिस वन अब इसको देखो तो डॉट लगाओगे अब जैसे डॉट लगाओगे ए डॉट ए डॉट ए डैश करोगे तो देखो क्या आ गया ये हो गया ए डॉट और ए डैश क्या है अपने पास ए डैश अपने पास यहां है ये हो गया आपका बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी ये क्या हो गया ऊपर भी एबीसी लगा हुआ ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा यहां हो गया ए बी सी दिस ये इंसर हो गया, अब यहां से फायदा क्या मिला अब यहां से फायदा ये मिला कि कोई क्वेश्चन रहेगा आपके पास क्या ए डैस डॉट बी प्लस सी बी डैश डॉट c प्लस ए सी डैस डॉट ए प्लस बी अगर कोई पूछे आपसे ऐसे ऐसे कोई आपसे पूछे कि ये वेक्टर दिया हुआ हमारे पास ऐसे ऐसे है तो इसका बताओ रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट देखोगे अपने आप के साथ वन होता है दूसरे के साथ ज़ीरो इसके साथ ज़ीरो इसके साथ जीरो तो ये रिज़ल्ट हो गया ज़ीरो लेकिन अगर यही बात मैं करूँ ऐसे यही बात मैं ऐसे करूं कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए कैसे तो मुझे चाहिए ऐसे नहीं चाहिए मुझे चाहिए वे क्वेश्चन में आ जाएगा ए डॉट ए प्लस बी बी डैस डॉट बी प्लस सी एंड सी डैश डॉट ए प्लस सी या सी प्लस ए अब ये रहे क्वेश्चन में अब क्वेश्चन आप पास ये रहेगा तो आप क्या करोगे ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है बेसिक इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन है ये अब इसमें क्या करेंगे जैसे आपने इसको बना लिया इसको क्या करेंगे तो देखो तो मैंने तुरंत कहा अपने आप के साथ वन इसके साथ वन इसके साथ जीरो यहाँ वन हो गया और ये जीरो हो गया ये वन हो गया और ये जीरो हो गया आंसर हो गया आपके पास थ्री क्या एंसर हो गया एंसर हो गया थ्री राइट ये अपने पास था एह, एस अब जो चलते हैं वी वीटीपी की बात करें वीटीपी की बात करें जब देखिए तो वीटीपी में क्या किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी कुछ नहीं करने का अब आपको लिखना है आप पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी अब इसे याद रखना है बस बेसिक इंफॉर्मेशन मैं लिख दे रहा हूं फिर क्वेश्चन में चलेंगे तो मजा आएगा ये हो गया अपने पास क्या इसको ठीक कैसे करोगे ए डॉट सी दिस लिखोगे यहां से ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी दिस वन क्या किया हमने ए डॉट सी ऑफ बी माइनस में ए डॉट बी ऑफ सी ये इसका हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपकी मर्जी थी कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं चाहिए ए क्रॉस बी ऐसे है क्रॉस में सी है अब क्या करोगे कुछ नहीं करना इसको उल्टा लाइए इसको इधर से लाइए ऐसे ऐसे लाइए आप तो ये हो गया c डॉट c डॉट a c डॉट a ऑफ b माइनस c डॉट b ऑफ a c डॉट b ऑफ a ये आंसर हो गया आपका ये वेक्टर है सो रिजल्टेंट बी वेक्टर ये वेक्टर हो गया बच्चे नेक्स्ट इसका आएंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में नेक्स्ट आपके पास आएंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी अब इसको ब्रेक करना हो तो क्या करोगे सीधे लिखोगे आप अब इसको लिखोगे ए सी बी डी यह हो गया अपने पास ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डी बी सी ए डॉट डी एंड बी डॉट सी जी आपका रिजल्ट हुआ सही है इसको याद करने का ऐसे अब इसको अच्छा लगने के लिए लोग क्या करते हैं इसको अच्छा लगने के लिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं यहाँ लिख दिया आपने ए डॉट सी यहाँ लिख दिया भाई साहब ए डॉट डी यहाँ लिख दिया आपने क्या बी डॉट सी यहाँ लिख दिया बी डॉट डी अब यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है अब देखो डिटर्मिनेंट में अच्छा लग रहा है बट आप पास इतना समय नहीं है फिलहाल ये अच्छा लगने के लिए आप देखो सीधे क्या हुआ ए डॉट सी बी डॉट डी ए डॉट डी बी डॉट सी सही है नेक्स्ट आइएगा अब इसका फोर्थ ऐसे लेते हैं अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी ये काम का चीज है ये दोनों ही काम की चीज है क्वेश्चन में इस पे लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं अब यहाँ क्या करने का जा देखिए तो फिर से वही अपन सेम काम करेंगे इसकी बात करोगे तो इसके साथ ये है ना फिर इसके साथ ये पहले ये तब ये यहां करेंगे ए बी डी ए बी डी ऑफ सी माइनस ए बी सी ऑफ डी दिस वन ए बी डी ऑफ सी माइनस ए बी सी ऑफ डी ये लिखा आपकी मर्जी की नहीं मैं तो उल्टा चलूंगा भाई ऐसे चलूंगा आप लिख सकते हो सी डी ए यहां लिख सकते हो सी डी ऑफ बी सी डी ऑफ बी और सी डी बी ऑफ ए सी डी बी

राइट right? यहाँ पे ए नॉट बी है यहाँ वेक्टर है वो सब ठीक कर लेंगे आप यहाँ तो स्क्वायर हो गया तो स्कलर हो गया दिस वन अब आते हैं क्वेश्चन तो देखते हैं क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन देखा जाए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मैंने पहले कहा था जैसे आपको क्वेश्चन दिया था रीलोडेड कैलकुलस में आपने इंजॉय किया था लिमिट में प्रॉपर्टी की बात किया था लिमिट से पीएनसी निकाला था और काफी मेच्योर्ड तरीका से अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर और सेम जो है टेली के में आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका उससे क्वेश्चन बाहर एडवांस में नहीं जाएगा ये मेरा वादा आपसे ऐसे जिन बच्चे ने रिलोटेड कालकोस नहीं देखा है उसे दोबारा देखेंगे ब्यास प्लेटफॉर्म पे जाएंगे एंड जस्ट यू लोड डाउनलोड ओके या ऐप उसको देखें आप और रिलोटेड कालकोस को पूरा आपका कर लें एक बार आपका कम से कम तो थर्टी फोर्टी मार्क्स गारंटीड हो जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता अब यही क्वेश्चन वो फर्स्ट में अब इसकी बात करेंगे अब देखो अपने पास क्या है ए बी तो पॉइंट्स अपने पास बना हुआ है तो एबी को मैं लिखता हूं यहां से यहां से मैं A, को लिखता हूं देखिए क्या ए बी को लिखा आपने बी माइनस ए क्या है ये पोशन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ये अपने पास हो गया थ्री आई माइनस जे ए बी ए सी की बात करेंगे ए सी ए सी अपने पास क्या हो गया सी माइनस ए सी माइनस ए कितना हो गया भाई तो ये हो गया अपने पास टू आई प्लस थ्री जे टू आई प्लस थ्री जे डी अलग से लिखिए यहां पे, डीई तो डी क्या हो गया ई माइनस डी क्या हो गया बच्चे ये हो गया हमारे पास फोर आई माइनस टू जे अब आपको चाहिए क्या ये जरा गौर से देखो क्या चाहिए एरिया ऑफ द सेडेड रीजन मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए इस रीजन का एरिया चाहिए यहां तक का एरिया चाहिए और यहां तक का एरिया चाहिए ये एरिया चाहिए अब आपको टेंशन भाई कैसे निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा ट्रेंगल दिख रहा है अपने पास अपने पास ये ट्रेंगल दिख रहा है और इसी तरह से ये ट्रेंगल दिख रहा है दिख रहा ऐसे तो अपन लिखे क्या एरिया ऑफ रीजन एरिया ऑफ द सेडेड रीजन इक्व टू नथिंग हाफ ऑफ ये क्या हुआ भाई बी क्रॉस बी डी यहां मैं लिखता हूं BE क्रॉस बी डी दिस वन प्लस हाफ ऑफ अब क्या ई सी क्रॉस ईडी दिस वन ये इसका वैल्यू आ गया अब इसको ठीक करें आप अब इसे ठीक करेंगे हाफ कॉमन ले लिया अब इसको बी को लिखोगे ई माइनस बी ई माइनस बी क्रॉस डी माइनस बी प्लस सही है ना ई माइनस बी क्रॉस डी माइनस बी बिल्कुल सही है प्लस इसकी बात करोगे सी माइनस ई सी माइनस ई एंड क्रॉस डी माइनस ई दिस वन अब जब इसको ठीक करोगे अब इसे ठीक करोगे तो हाफ ऑफ अब यहां से क्या हुआ बच्चे यहां से आया ई क्रॉस डी माइनस ई बी क्रॉस ई बी क्रॉस ई लिख दोगे तो ये प्लस हो जाएगा यहां से माइनस बी क्रॉस डी और बी क्रॉस बी जीरो राइट इसकी बात करो सी क्रॉस डी C क्रॉस E, C क्रॉस C, माइनस E क्रॉस D e और E क्रॉस E हो गया जीरो है ना ये अपने पास क्या है E है तो वन टू थ्री यहां हो गया C क्रॉस डी cross E क्रॉस D, राइट ये हो गया जीरो अब देखो तो क्या हुआ E क्रॉस D, अब वहां से E क्रॉस D माइनस में बचे ये कैंसिल हो गया अब यहां ठीक करोगे तो आपके पास यूज क्या हो गया आपके पास यूज हो जाएगा सी यहां से ठीक करोगे चार हमारे पास आ गया अब जरा देखो तो यहां से बी और है, ए है, ए है बी और ई है और सी और ई है इसको एक साथ देते हैं बी माइनस सी इसको एक साथ करते हैं बच्चे तो ये अपने पास आ गया हाफ ऑफ क्या हो गया ये बी माइनस सी ऑफ क्रॉस में ई बी माइनस सी बी माइनस सी सही है इसकी बात करेंगे अपन इसकी बात करेंगे बी माइनस सी यहां भी निकालना है तो यहां हो गया माइनस में आपके पास क्या प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस करोगे, नो माइनस रहेगा माइनस रहेगा माइनस में यहां हो गया बी माइनस सी क्रॉस हो गया डी चेक करें माइनस बी क्रॉस डी प्लस में सी क्रॉस डी सही है बी माइनस सी दोनों में कॉमन आ गया बच्चे बी मानस सी जैसे दोनों में कॉमन आ गया ये लिखेंगे हाफ ऑफ बी माइनस बी माइनस क्रॉस सी माइनस डी सॉरी ई माइनस डी दिस 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 अब चेक करो तो ई -E है क्या बी है सी है सही है पास अब कुछ नहीं करने का ये अपने पास आ गया अब बीसी का वैल्यू कहा सही है बीसी का वैल्यू यहां से बी माइनस सी यहां सही है अब यहां से बी माइनस सी करोगे हो गया कैंसिल तो देखिए अपने तो यहां से हो गया आई अब माइनस फोर जे अपने पास हो गया आई माइनस फोर जे इन टू ई माइनस डी तो पहले से दिया हुआ है फोर आई दिस इसका टू बाहर निकाल सकते हैं बाहर निकाल लो टू इसका 2 बाहर निकाल लेना तो 2i आई माइनस z, टू माइनस जे अब देखिए क्या हो गया ये दिस वन अब इससे आपका देखो तो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आ गया उसका मॉडल वैल्यू ये आ गया सेवन राइट क्वेश्चन कितना अच्छा लगा मैंने पहले कहा कोशिश हो गई हमारी कि वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दें चूंकि इट इज योर वेरी फ्यू डेज यू आर हैविंग हार्डली कपल ऑफ डेज इस डेज को इंजॉय करने के लिए आपको केवल वीडियो लेक्चर वाच करेंगे आपका काम बन जाएगा नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या करने का है आप देखेंगे कि कितने सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आपके लिए एक सिस्टमेटिक वे में तैयार किया गया है अब जब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में ए बी सी हमारे पास ये वैल्यू हो गया ए यहाँ अपने पास आ गया बी ठीक है ना और सी इज ए वेक्टर सच दैट ये दिया हुआ है सी के बारे में दिया हुआ है यहाँ से वैल्यू दिस वन यहां से अलग करता हूं मैं यहां मैं लिखता हूं c माइनस ए होल स्क्वायर ये हो गया अपने पास 8 तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ट्वाइस ऑफ c माइनस सी डॉट ए इक्व टू एट और c डॉट ए अपने पास दिया हुआ है क्या हो गया ये ए दिया हुआ बच्चे तो ये हो गया आपका c स्क्वायर माइनस टू और a अपने पास दिया हुआ बच्चे ए अपने पास क्या है रूट अंडर में नाइन रूट अंडर नाइन तो तो का नाइन और माइनस एट हो गया जीरो स्क्वायर का मोडल वैल्यू हो गया वन ये हो गया प्लस तो वैल्यू आ गया तो सी का वैल्यू क्या आ गया सी का वैल्यू हो गया वन अब आपको इसका वैल्यू चाहिए अब इसका वैल्यू चाहिए देखो तो क्या है ए बी और ए सी ए बी और सी के बीच का एंगल दिया हुआ थर्टी तो मैं निकालता हूं इसकी बात करता हूं अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका स्क्वायर करोगे या स्क्वायर मत करो स्क्वायर मत करो आइए दिस वन इसकी बात करेंगे मॉडल वैल्यू में तो ये हो गया मोड ऑफ ए क्रॉस बी मोड ऑफ सी इन दोनों के बीच का एंगल साइन साइन कितना वहां साइन थर्टी है बच्चे साइन थर्टी हो गया अब मुझे बताओ अभी a क्रॉस बी का वैल्यू कहां से लाओगे अब यहां से a क्रॉस बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आइए a क्रॉस बी का होल स्क्वायर ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर और ए डॉट बी का होल स्क्वायर कहीं अगर आपका वेक्टर डायग्राम छूट जाए तो उसको गलत नहीं मानने का जल्दीबाजी में वेक्टर का कभी कभी साइन छूट जाता है उससे आप ठीक कर लेंगे तो ये हो गया बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ से हो गया नाइन तो ये हो गया, 9. B² कहां B हमारे पास हो गया रूट टू है तो टू के डॉट बी ए डॉट बी करेंगे तो टू और प्लस वन थ्री ठीक है थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन तो ये बन जाएगा आप नाइन ये अपने पास क्या गया? ये हो गया ए क्रॉस बी ये नाइन है बच्चे तो यहाँ से इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया थ्री उसका स्क्वायर रूट ये हो गया थ्री मोड ऑफ सी की बात करोगे हमारे पास हो गया वन थ्री इंटू वन और ये वैल्यू कितना हो 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 गया हो गया तो हो गया बच्चे ये आपका आपका तो अब इसके लिए कुछ दिया हुआ है क्या देखिए तो अब क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अब यहां से आ गया बच्चे अब आपको चेक क्या करना है आप जानते हैं इन ए ट्रग एबीसी इसका जो मैक्स वैल्यू है बच्चा इसका मीन है मैक्स दिखता हूं मैं

अब पावर में फिर से एक्स आ गया इसका वैल्यू हो गया वन इसका वैल्यू हो गया जीरो से एक्स का पावर एक्स है हमारे पास एक्स का पावर एक्स है तो इसका वैल्यू हो गया वन इसका वैल्यू हो गया वन तो वन 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 कितना हो गया थ्री हो गया अच्छा चाहिए थ्री दे गलत हो गया इसकी बात करेंगे तो ये इसको ब्रेक किया जाए इसका ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया एन एन स्क्वायर प्लस एन इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा तो बॉक्स वैल्यू कितना हो गया इसको यहां लाओगे एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर पावर वन बाय थ्री बॉक्स एन ये ब्रेक कर सकते आप. में यहाँ पे बाहर निकाल लोगे आप ये बच जाएगा माइनस वन इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से अपने पास आ गया कितना ये अपने पास आ गया वन बाय कैसे आ गया वन बाय लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट एन इन टू ये हो गया वन प्लस वन बाई थ्री एन डॉट डॉट हटा दो बाकी माइनस वन ये वन वन कैंसिल यहां से एन एन कैंसिल बचे आंसर हो गया राइट right? और आपको चाहिए था सो so ये भी ऑप्शन गलत हो गया ऑप्शन हो गया करेक्ट हो गया ए और डी सो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड आ गया क्वेश्चन थर्ड में देखो तो क्या अपने पास है v1 दिया हुआ है v2 दिया हुआ गिवेन है और ये क्या है यार x बाय जेड का वैल्यू अपने पास ऐसा कुछ दिया हुआ है x बाय जेड का वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ये गिवेन है नंबर ऑफ परमिसेबल नॉन जीरो वेक्टर्स अरे ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया भाई अब कुछ नहीं करने का v1 v2 परपेंडिकुलर है बच्चा कुछ नहीं करेंगे वी वन डॉट राइट ये वी वन है ये वी टू है दोनों का लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू जीरो अब ये आपके पास एंसर आ गया अब ये तो आपको याद होगा इन आप परमोटन कॉम्पटिशन में नंबर ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रोस की बात करते थे वही चीज़ तो आ गया बच्चे बट यहाँ पे बाउंडेड वैल्यूज है माइनस टू माइनस वन माइस जीरो वन टू ऐसे है अब देखो ये जीरो कब कब हो सकता है भाई साहब अपन केस बना लेते हैं कि कहाँ से कहाँ केस बनेगा तो देखो तो तीन केसेस हमारे पास है तो मैं इसको बगल में यही बना लेता हूँ हूं। देखता हूँ क्या -क्या तो तो इससे बनने वाला देश सिक्स केसेस बनेंगे क्यों माइनस टू टू और जीरो से बनने वाला कितने के बनेंगे? ये बनेगा फैक्टोटेशन फैक्ट्रो थ्री अरेंजमेंट सिक्स केसेस बनेंगे ऐसे ये माइनस टू माइनस माइनस टू और टू माइनस टू और टू माइनस टू और टू ऐसे बन सकता था फिर माइनस टू टू यहां पर आ गया तो छ केसेस बनेंगे दिस वन उसके बाद मैं आता हूँ माइनस वन और वन यहाँ लिखा हमने जीरो केसेस कितने बनेंगे भाई ये भी बनेगा सेम चीज ये भी बनेगा फैक्टो थ्री ये बनेगा छह केसेस अब मैं लिखता हूं two, यहां लिखता हूँ क्या माइनस टू यहां वन वन ये देखिए कितना केस बनेगा उसके बाद लिखूंगा क्या टू माइनस वन माइनस वन ये कितना केस बनेगा दिखेगा तो यह केस कितना बना ये देखेंगे आप अब यहां देखते हैं माइनस टू, मनस टू मन, वन वन है दो रिपीटिशन यहां पे है तो यह हो गया आपका फैक्ट्रल थ्री बाई फैक्टल टू ये हो गया थ्री यहां भी सेम फैक्टल थ्री बाई फैक्ट्रल टू ये भी हो गया थ्री टोटल केसेस कितने हो गए टोटल केसेस हो गए एटीन आप चेक कर लें टोटल इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा जीरो आपका यहाँ बीच में सेंटर में भी आ सकता जीरो में भी आ सकता अपने को चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड टोटल सम चाहिए जीरो तो कितने पॉसिबल है नंबर कितने परमिशबल नॉन जीरो वेक्टर्स पॉसिबल हैं ठीक है ना जहां हमें रिजल्ट यह चाहिए ऐसे नहीं कि जीरो, जीरो 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 दे दिया तो जीरो जीरो जीरो, जीरो नोट अप्लीकेबल है नॉन जीरो वेक्टर्स ऐसे तो एंसर हो गया एटीन ये आपका एंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर अब देखिए क्वेश्चन फोर में क्या किया आपने यहाँ हमारे पास क्वेश्चन फोर में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन है ए एन सी बी यूनिट एट एन एंगल ए और सी वेक्टर है इस एंगल पे ठीक है उसकी बात कर ले ए इंटू सी लिख देते हैं ए डॉट सी की बात करोगे तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी सही है और ये हो गया बस कॉस थर्टी कॉस कितना पाई बाई थ्री ये हो गया हाफ सही है ना ये हो गया कॉस 60 होता है हाफ हो गया और ये बाकी हो गया यूनिट वेक्टर्स है इच अदर सच दैट अब ये दिया हुआ बच्चे आप पास ये कंडीशन दिया हुआ है ये अपने पास दिया हुआ है तो इसको ठीक करोगे आप तो ये अपने पास हो गया ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी डॉट ए क्रॉस सी अब देखिए क्या हुआ अब यहां से इसकी बात करोगे और इसकी बात करोगे तो यहां से ए डॉट सी बाहर ले आओ भाई आजा बाहर आगे बाहर बी डॉट ए क्रोसी है तो ये हो गया बी ए सी क्या हो गया बी ए रहा अब क्या करने का यहां से बात करोगे सी डॉट ए क्रोसी है सी ए सी जीरो नेक्स्ट पार्ट आप जीरो हो गया, गया उसे और ये कुछ गिवन था ये अपने पास था फाइव ये अपने पास था फाइव अब इसको ठीक करो आप इसे ठीक करोगे ए डॉट सी अपने पास है हाफ ये अपने पास हाफ है इसको मैं लिखना चाहता हूं बी एसी को लिखना चाहता हूं ए बी सी दिस वन ये अपने पास 5 है यहां बाहर माइनस आ गया अच्छे ये बाहर अपस माइनस आ गया आपको चाहिए क्या था लो यही चाहिए था इसका वैल्यू आ गया ये चला गया राइट में तो माइनस टेन हो गया कहां है माइनस टेन आंसर आ गया माइनस टेन एबीसी का वैल्यू माइनस टेन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में देखेंगे अपने पास ये कंडीशन आप पास जो है कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है कंडीशन अपने पास है ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर फाइव में इससे इसका स्क्वायर करो आप इसका ठीक करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए इसका स्क्वायर करता हूं मैं प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस दिस वन राइट में स्क्वायर करोगे ए फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ए डॉट बी देखिए तो ए स्क्वायर साफ हो गया और ए बी बी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट दिस अब देखिए क्या हो गया अब यहां से अपने पास है ये हो गया सिक्स सिक्स टाइम ए डॉट बी इक्वल टू थ्री टाइम बी स्क्वायर यहां से काटोगे ये अपने पास आ गया टू तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी दिस इक्व टू बी स्क्वायर इसको एक मान लो शायद काम पड़ेगा अब नेक्स्ट में आते हैं अपने पास क्या क्या है देखो तो अब ए डॉट बी की बात कर रहा है ए डॉट बी की बात कर रहा है सब में ए डॉट बी की बात कर रहा है अब जरा मैं देखूं इसमें कैसे क्या लिखेंगे ए डॉट बी कितना है ये गलत हो गया ये नहीं चाहिए ट्वाइस अफिस था हमारे पास तो ये भी गलत हो गया ये भी नहीं चाहिए अब इस दोनों की बात करेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू अपने पास ट्वाइस अब्दिस्ट है हमारे पास तो ये उठाइए डी नंबर डी नंबर दिख रहा है कि शायद कुछ बात बन जाए ए डॉट बी प्लस फोर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस टू अब इसकी बात करेंगे अब यहां लिखा मैंने इसे लिखा जाए एक्सप्रेशन डी को लिखा जाए यहां लिखा हमने एक्सप्रेशन दिस वन अब इसको ठीक करो तो यहां हो जाएगा ए डॉट बी प्लस वन प्लस फोर अपॉन यहां से टू हटा दीजिए तो फोर भी हट जाएगा टू हटा दीजिए तो यहां से क्या हो गया टू अपॉन यहाँ क्या है अपने पास ए डॉट बी सही है ना बी स्क्वायर का वैल्यू था बी स्क्वायर का वैल्यू था टू ऑफ ए डॉट बी प्लस टू टू कैंसिल हो गया ये बच जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस वन और माइनस वन किया यहाँ वन ऐड किया वन सब किया अब जरा इसको गौर से देखना ये लगता है हमारा एएमजीएम लगा सकते हैं तो एएमजीएम में आप जानते हो क्या जानते हो भाई एक्स प्लस वाई बाय टू अगर है दिस इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स वाई लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ना तो जब भी कोई टर्म उसका रेसिप्रोकल दिखे एएमजीएम तो लगा देना तो दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू रूट अंडर में ये क्या हो गया ए प्लस बी प्लस 1 इन ए डॉट बी प्लस वन ये यहां से साफ हो गया बच्चे और टू टू टाइम दिस ये हो गया और माइनस वन तो पहले से हमारे पास है माइनस वन तो पहले से हमारे पास है दिस गेटर टू टू रूट टू माइनस वन देखिए आंसर कहां है ऑप्शन हो गया डी ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन सिक्स में देखते हैं क्वेश्चन सिक्स क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर आपके लिए सिंपल क्वेश्चन आ गया बट इसमें इंटीग्रेशन भी है इसमें लिमिट भी है इसमें वेक्टर भी है यही एक मजा है यही एडवांस का मजा है कि एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को मिंगल किया जाता है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अच्छा लगता है अब इसको ठीक करोगे तो मैं इसकी बात करूंगा इसको ऊपर ब्रेक किया जाए तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर ये अपने पास बच्चे क्या हो गया ये हो गया फोर ए डॉट बी तो फोर ए और बी यूनिट वेक्टर्स है तो ये हो गया फोर कॉस थीटा बिल्कुल सही है इसकी बात करोगे ये हमारे पास क्या हो बच्चे ये अपने पास हो गया कुछ नहीं करने का इसकी बात करेंगे तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया ये हो गया टू तो ये हो गया अपने पास फोर यहाँ से फोर फोर साफ ये बनेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका मैक्सिमम वैल्यू है वन तो मैक्सिमम इज वन ये मैक्सिम वैल्यू कितने हो हो गए ये गया one. अब देखिए तो क्या हो गया ये अपने पास वन है ये इसका काम रोल खत्म अब यहां देखेंगे इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास फंक्शन का नेचर कैसा है ये अपने पास आ गया टू निगेटिव टू निगेटिव होता है वन ये वैल्यू सही हो गया इसकी बात करेंगे तो इसका वैल्यू होता है पावा टू इसको ब्रेक करोगे सिंपल इंटीग्रेशन डाला हमने तो यहां क्या हो गया इसका वैल्यू हो गया पावा टू प्लस वन और यहां से अपने पास है माइनस पावर टू ये यहां से कैंसिल आंसर हो गया वन ये भी ऑप्शन सही है भाई और इसका वैल्यू तो सीधे जीरो हो गया ये हो गया आपका क्या ये हो गया जीरो ठीक है ना एस टी पी ये पार्ट हो गया जीरो अब इसकी बात जब किया ही हमने है तो मैं लिख दू आपका ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए ये लिखूंगा मैं ऐसे ऐसे और ये लिखूंगा तो ये अपने पास टू टाइम है ये अपने पास हो गया टू टाइम टू टाइम ए बी सी दिस वन अगर आप आपको दे दे और है, अब क्या करोगे, कैसे करोगे कुछ नहीं करेगा ये अपने पास हो जाएगा ए बी सी ये ले आओ इसका हो गया होल स्क्वायर सही है राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आइए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन में देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन ए बी एंड सी आर लिनियरली डिपेंडेंट लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कोप्लेनर राइट right. तो यहां से मैं लिखता हूं क्या इसका वैल्यू लिखा हमने वन 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 टू माइनस वन जीरो वन पी के वन पी ये दिया हुआ बच्चे डिपेंडेंट सो इट मस्ट बी जीरो अब इसकी बात करोगे देखो क्या अपने पास आएगा इसकी बात करोगे तो यह अपने पास आ गया वन इन माइनस क्यू माइनस क्यू ठीक है माइनस क्यू इसकी बात करोगे इसके साथ करोगे ये कैंसिल ये कैंसिल टू क्यू ये हो गया माइनस टू क्यू अच्छा वन से करोगे तो टू पी प्लस वन टू पी प्लस वन ये हो गया जीरो तो पास आ गया अपने पास आ गया टू पी माइनस थ्री क्यू प्लस वन ये हो गया जीरो क्या है सी का वैल्यू दिया हुआ है दिस वन तो सी हमारे पास मोडलेस जैसे लगाओगे यहाँ से तो मोड ऑफ सी की बात करोगे तो ये अपने पास स्क्वायर कर देता हूं मैं तो ये हो गया अपने पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन है ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन। ये कितना है भाई इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया थ्री इट मीन्स दोनों को बैलेंस करोगे जब दोनों को मिलाओगे तो देखिए क्या अपने पास आया दोनों को मिलाएंगे तो पी क्यू का वैल्यू हो गया वन यहां से दोनों को मिला दो यहां से आ गया पी बराबर क्यू बराबर वन चेक कर ले आप पी बराबर क्यू बराबर वन ये वैल्यू आ गया वन 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 थ्री हो गया यहां से टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया ये वैल्यू आ गया अब यहां से चाहिए अब यहां से देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन वेक्टर का था अब पूछा जा रहा है नॉर्मल टू द पैराबोला वाओ क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो नॉर्मल का इक्वेशन इक्वेशन आप जानते हैं कि y का का वैल्यू ये होता है नॉर्मल इसको आप यूज कर सकते इसको यूज करके बना सकते अदरवाइज अपन क्या करेंगे ये हमारे पास पैराबोला है बच्चे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया यहां लिखता हूं मैं टू वाई स्क्वायर इक्व टू टू एक्स अब मुझे चाहिए टेंजेंट तो टू इंटू वाई इंटू वाई वन एक्स प्लस एक्स वन अब पॉइंट क्या हमारे पास है पी माइनस क्यून माइनस वन तो यहाँ इसको ठीक करोगे ये अपने पास आ गया ठीक करोगे तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू वाई माइनस टू वाई इक्व टू एक्स प्लस वन ये आंसर हो गया तो अपने पास टेंजेंट क्या हो गया एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वीरो नॉर्मल वाई इक्व टू k. और पास करा दो कितना से भाई पास कराओगे इससे इस वैल्यू से ये वन है ये माइनस वन हो गया इससे पास कराएंगे तो x हो गया वन है तो टू प्लस वन थ्री, ये हो गया आपका थ्री ये आपका एंसर हो गया कौन सा एंसर ऑप्शन हो गया ए कितना आसान क्वेश्चन था अब एक चीज देखिए आपकी मर्जी है इसको निकालिए नॉर्मल से वहां भी काम चल जाएगा आपकी मर्जी है नहीं भी, मुझे तो इससे करना है तो स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू दे दो और ए का वैल्यू वन बाय फोर आ जाएगा आप इसको यूज कर सकते हैं यहां से यूज कर सकते हैं ऐसे है ना स्लोप पहले आपको निकालना पड़ेगा डीवाईडीएस निकालना पड़ेगा डी तो वी एक्स अपने पास कितना आ जाएगा जब निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा, जाएगा माइनस हाफ यहाँ पे लिख देता हूं माइनस हाफ और ए अपने फोर ए होता है, तो फोर इंटू वन बाय फोर इंटू एक्स हो जाएगा ए हो गया दिस वन अब इसका यूज करेंगे तो सेम आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ब्यूटी यही है इस क्वेश्चन का सुंदरता यही है कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को मिंगल किया गया है अगर आपका पैराबोला अच्छा नहीं है कॉनिक अच्छा नहीं है तो भी नहीं बनना वेक्टर अच्छा नहीं है तो भी नहीं बनना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन तो आइए नेक्स्ट देखते क्या है ये हमारे पास दिस द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रेंगल दिस अच्छा भाई ये हमारे पास ट्रेंगल है ऐसे ले लो ए हो गया बी हो गया सी हो गया ए अपने पास कितना है माइनस वन वन एंड टू बी कितना है वन टू थ्री और ये कितना है बच्चे ये हो गया टी वन वन ये दिया हुआ है आपको पहले चाहिए एरिया ऑफ ट्रेंगल चाहिए एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करेंगे है ना दिस बी द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रेंगल ये क्या होता है क्या, क्या होता है हमारे पास तो पहले निकालना पड़ेगा इसमें से ए बी और दिस ये निकाल लीजिए आप निकालेंगे तो अपन ए बी की बात करेंगे ए बी की बात करेंगे तो यहां से क्या हो गया ये हो गया अपने पास आई दिस वन ये हो गया टू आई प्लस जे प्लस के इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया ए सी की बात करो सी माइनस ए तो टी प्लस वन ऑफ आई जीरो और माइनस के ऑफ आई और माइनस के आई वन वन जीरो माइनस के दिस वन ये बना हमारे पास दिस अब इसको देखो तो अपने पास चाहिए क्या था एरिया ऑफ ट्रेंगल चाहिए बच्चे यहां क्या था हमारे पास ए बी हो गया टू जे प्लस के दिस वन अब इसको ठीक करो आप यहां से लिखोगे आई जे के राइट टू वन वन ट्री प्लस वन जीरो माइनस वन ये हो गया हाफ ये हो गया अपने पास, की बात कर रहे थे हाफ ऑफ अब इसको ब्रेक कर बच्चे अब इसको ब्रेक करोगे आई ऑफ ये कैंसिल तो माइनस वन तो माइनस में आई राइट आयु दिस इसकी बात करोगे तो ये यहां से कैंसिल ये यहां से कैंसिल यहां से कैंसिल करोगे तो माइनस टू अब पहले से वो माइनस था तो यहां लिखूंगा मैं जे ऑफ माइनस जे ऑफ माइनस टू और माइनस थ्री माइनस वन तो क्या हो गया बच्चे ये माइनस हटा दीजिएगा तो प्लस हो गया तो थ्री प्लस ट्री थ्री प्लस ट्री ऑफ जे प्लस के की बात करो के में आ जाओ इसकी बात करोगे तो दिस जीरो माइनस में माइनस में इसको माइनस कर देंगे माइनस में ये हो जाएगा टी प्लस वन ऑफ के अब इसका मोडलेस वैल्यू चाहिए बच्चे इसका मोडलेस वैल्यू चाहिए एक काम करते इसका स्क्वायर करता हूं मैं इसका स्क्वायर करता हूं अच्छा रहेगा तो वन बाय फोर ऑफ ये हो गया वन प्लस टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर एंड टी प्लस वन का होल स्क्वायर ये हो गया वन बाय फोर ऑफ अब इसको ठीक करोगे तो अपने पास क्या हो गया देखो तो इसका क्या हो गया वैल्यू तो यह अपने पास हो गया टी स्क्टी तीन नौ दस ग्यारह ये इलेवन अब देखिए यहां से क्या बना अब यहां से बनेगा टू बाहर निकाल दोगे ये वन बाय टू ऑफ टी स्क्वायर प्लस यहां से टू हमने बाहर निकाला है तो फोर टी। प्लस इलेवन बाय फोर अब इसको ठीक करो इसका मैक्सिमम चाहिए था है ना तो ये हो गया ट्रेंगल स्क्वायर की बात करेंगे तो वन बाय टू ऑफ ये अपने पास क्या हो बच्चे तो ये अपने पास हो गया टी प्लस टू का होल स्क्वायर सही है ना टी प्लस टू का होल स्क्वायर अब अपने पास है क्या इलेवन बाय है हमारे पास ये इलेवन बाय अपने पास था बिल्कुल सही है इसमें से हम लोग सब क्या करेंगे यहां से हमने क्या किया ये हो गया फोर फालतू है फोर बाय टू तो माइनस टू माइनस टू फालतू हो गया तो ये हो गया कितना थ्री बाय फोर तो ये अपने पास हो गया ग्यारह थ्री बाय फोर तो ये हो गया आपका थ्री बाय फोर अब यहां देखो क्या आ गया अपने पास क्या आ गया दिस पार्ट इज बिगर देन थ्री बाय फोर तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे तो ये अपने पास मैक्सिमम मैक्स चाहिए मैक्स चाहिए

अब मैं मुझे क्या करना है जो हट सकता है उसे हटा दें ये हो गया जैसे ये हो गया वन ये हो गया वन और ये भी हो गया वन 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 थ्री ये थ्री ये सही था अभी डी नंबर और बाकी के लिए आपको फिर से मुझे आना पड़ेगा वहां पे एम का वैल्यू थ्री चाहिए है ना अपने पास पूछ रहा है वेयर एम इक्वल्स एम अपने पास थ्री है मैं दोबारा लौटता हूँ इस पे अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया एम अपने पास आ गया है थ्री ये दे, देख लेंगे आप अब अपने को चेक करना क्या है ये ऑप्शन सही हो गया था है ना अब इसकी बात करें अब इसकी बात करें कि ये क्या बोल रहा है इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया ऑफ ऑफ इसके बारे में लिखोगे मोड जेड जेड वार सही है ना तो ये हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर या मोड ऑफ जेड कॉमन ले लो ठीक है जेड स्क्वायर हमारे पास है तो मोड ऑफ जेड कॉमन लोगे नहीं कॉमन नहीं लोगे यहां क्या हो गया जेड कॉमन लोगे जेड प्लस जेड वार थ्री इन टू यहां से ये हो गया जेड जेड वार तो जेड कॉमन लोगे तो जेड माइनस जेड वार दिस वन सिक्स ऑफ मोड ऑफ जेड अब ये जो हमारे पास है ये जो हमारे पास बाहर निकलेगा ये कैंसिल हो गया अब देखो तो क्या आ गया ये हो गया ट्वाइस ऑफ जेड प्लस जेड वार हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स इसका मोडल वैल्यू यहां सीखेंगे टू ऑफ टू ऑफ मोड ऑफ एक्स थ्री ऑफ टू ऑफ मोड ऑफ वाईस टू तो हो गया टाइम मोड ऑफ एक्स थ्री टाइम मोड ऑफ वाई इक्व टू थ्री ये आपके पास रहा क्वेश्चन में अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन हो गया ये अब इसके लिए आपको ट्रेंगल बनाना पड़ेगा एक्स जीरो वाई वन प्लस माइनस वन और टू। ये एरिया चाहिए आपको ये थ्री बाय टू है बच्चे तो एरिया ऐसा ऐसा दिस दिस तो क्या हो गया फोर टाइम है ना, ना हाफ ऑफ थ्री बाय टू इन टू क्या है वन ये कैंसिल ये हो गया थ्री ये आंसर सही हो गया बिल्कुल सही हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज भी हो गया सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की बात करेंगे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट की बात करोगे अब मैं यहां से इसको हटाता हूँ ये हमारे पास है इन यहां से मैं ट्रिक बताता हूं। अब, इस अब इस इसकी बात करो फोर एल क्या आपके पास है फोर करेंगे भाई रेक्टम बराबर नथिंग यहां लिखेंगे ट्वाइस ऑफ कोवेसेंट ऑफ

ठीक है वो भी अच्छा क्वेश्चन था वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर वहां से, lips, hyperbola, sorry, hyperbola, वहां से में भाई क्या है क्वेश्चन नाइन क्या बोलता है देखिए तो एक्स और वाई बी नॉन जीरो नॉन कॉलिटर वैक्टर्सिस्ंग दिस अब इसको दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास दिस है <coughs> तो देखो तो ये हर हाल में इसका मतलब क्या हो गया ये

अब यहां कुछ नहीं करने का तो फाइनली हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू क्या है एफ एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे प्लस प्लस अपने को चाहिए क्या एफ वन करेंगे तो वन आएगा एफ टू में टू आएगा एफ थ्री में थ्री आएगा ये बचेगा अपने पास। बड़ा मजा आता कि एफ वन में वन स्क्वायर आता टू स्क्वायर आता तो यहाँ स्क्वायर लिखते ये हमने क्यूबिक सेट किया ये हमारे पास एफ एक्स हमारे पास क्यूबिक था तो क्यूबिक सेट हो गया ये अब यहां से अपने को चाहिए एफ फोर एफ फोर क्या है यहां हो गया आपका थ्री इंटू ठीक है टू इन टू वन प्लस हो गया फोर ये हो गया आपका टेन ये हो गया टेन एफ फोर कितना हो गया एफ फोर हो गया टेन मतलब हो गया फाइव इंटू टू अब चाहिए क्या देखो तो देन सम ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहा है सम ऑफ डिवाइजर मतलब परमुटेशन तो सम ऑफ डिवाइजर क्या हो गया सम ऑफ डिवाइजर अपने पास चाहिए ये हो गया फाइव लेंगे या नहीं लेंगे तो फाइव के पावर जीरो अठारह हो गया और ऑप्शन हो गया दिस अब जानवर के आंसर में टेन भी डाला हुआ है तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज होगा जानवर के फोर भी डाला हुआ है ताकि अगर बच्चे को लगे कि फाइंड द डिवाइजर तो डिवाइजर फोर हो जाता अपने को सम ऑफ डिवाइजर चाहिए तो बच्चे को कन्फ्यूजन के लिए वहां दिया रहेगा फोर भी ऑप्शन होगा टेन भी ऑप्शन होगा ना? है ना आखिरी ऑप्शन आपके पास एटीन है क्योंकि सम ऑफ डिवाइजर सही है राइट नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर आइए एंड लास्ट क्वेश्चन है ना इस पे एक क्लास और चलेगा इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉल्यूम ऑफ पैरलो पाइपेंट साइड्स आर गिवन एज अल्फा बीटा गामा विच आर वाई द एंगल्स बिटवीन ऐसे कुछ नहीं है ये ये हो गया इसके लिए आई ये हो गया जे ये हो गया के ठीक है ना ये इसको बाइसे किया तो ये हमारे पास हो गया अल्फा हो गया आई प्लस जे बाई टू इसकी बात करेंगे तो ये बीटा हो गया ये अल्फा है बीटा हो गया बीटा हो, हो गया जे प्लस के बाय टू ये गामा हो गया बाइसेंग सेम सेम तो ये हो गया अपने पास गामा हो गया आई प्लस बाई टू राइट वन अब देखिए कितना आसान हो गया एंगल तो यहां से लिखोगे अल्फा अल्फा लिखोगे क्या है आई प्लस जे बाई कितना भाई टू नहीं रूट टू सॉरी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव रूट टू रूट टू रूट टू यह हो गया बाई रूट टू बीटा की बात करेंगे यह क्या हो गया जे प्लस के बाय रूट टू गामा की बात करेंगे तो ये क्या हो गया गामा क्या हो गया गामा हो गया आई प्लस के बाय टू ये अपने पास आ गया अब कुछ नहीं चाहिए अब चाहिए क्या पैरलो पाइप चाहिए तो पैरलो पाइप चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ पैरा लो पाइप ये क्या होगा बच्चे वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू तीन बार कॉमन है तो वन बाय टू रूट टू बाहर आ गया और यहां से हो गया वन वन जीरो सेकेंड नंबर हो गया जीरो, जीरो वैल्यू आप जानते हैं इसका वैल्यू होता है टू ये हो गया आपका वन बाय टू रूट टू इन टू टू ऐसे ये कैंसिल आंसर हो गया वन बाय टू ये आपके आंसर्स हो गए ये आपके आंसर्स हो गए आंसर हो गया डियर ओके थैंक यू ऑल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर हैव नाइस डे